हम लोग पढ़ेंगे आज लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। और जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर लैक्टोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब H3O प्लस दे दिए, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये क्या दे देगा, अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अल्फा डी गैलेक्टोज देगा ये, बीटा, हाँ दोनों बीटा देगा, इसमें बीटा लिंक है ना, तो इसमें बीटा देगा, बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, हाइड्रोलिसिस पर यही देगा। अब इसमें गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ग्लूकोज का हम अगर स्ट्रक्चर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और ये हो गया, ठीक है, ये क्या डी ग्लूकोज है, ये जो है डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज हो गया। गैलेक्टोज बनाना है सिर्फ एक चेंज कर, इसको छोड़ देंगे, इसको उल्टा देंगे, खाली गैलेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया CH2OH, और नीचे से एक वैसा ही रखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ एक सेम है डी ग्लूकोज में, हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे। बाकी जो डी ग्लूकोज का था वैसा ही रखने दें। ये हो गया हमारा गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, समझ गए। अल्फा और बीटा तो तब लिखेंगे ना जब हम क्लोज चेन लिखेंगे, जब तक क्लोज चेन नहीं लिखते हैं तब तक अल्फा बीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल फॉर्म में बनता है तभी वो अल्फा और बीटा फॉर्म में आता है, ओपन चेन में अल्फा बीटा फॉर्म नहीं बनता है, समझ गए ना। तो दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दोनों प्लस ही है, तो बस इतना सा ही चेंज है, इसलिए लोगों को देखने में लगता है दोनों एक ही चेन, ठीक है ना, बस एक मात्र चेंज यहाँ पर, समझ गया ना, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हमको गैलेक्टोज लिखना है, तो गैलेक्टोज लिखना है कौन, बीटा है ना, बीटा, बीटा कब होगा, जब यहाँ पर जो है ये OH बनेगा, ये और ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा ना, तो यहाँ OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, जैसे बनाते हैं वैसे ही ना, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो बीटा अगर करना है तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम हटा देंगे, ये समझ में आना, ये हाँ, तो अब हम इसको कौन कौन करते हैं, यही दोनों जोड़ते हैं, ये दोनों जोड़ते हैं, कोई दूसरा जोड़ते हैं, गैलेक्टोज CH2OH, कौन कौन जोड़ते हैं उसमें, फ्रुक्टोज में जुड़ता है दूसरा, पहला नहीं जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है और पांचवा जुड़ता है, समझ गया। तो इसमें हम जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, जुड़ गया ना, और हमको बीटा करना है, तो बीटा के लिए हमको OH
इधर रखेंगे ऑरेंज, इधर रखेंगे, अब ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज। आई बात समझ में? तो हम लोग अब क्या लिखते हैं, ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर, पाइरानोज स्ट्रक्चर लिखना होगा क्योंकि ग्लूकोज के जैसा है। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एच ऊपर जाएगा, एच नीचे आएगा पहला कार्बन पर जाएगा ना, उसके बाद वो एच नीचे आएगा, एच ऊपर जाएगा, उसके बाद इस पर आएगा, जिसमें एच नीचे आएगा वो एच ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ एच नीचे OH ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये लाएंगे एच इधर आ जाएगा, CH2OH ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको इधर लाएंगे ना, एच इधर से इधर आ जाएगा तो एच नीचे आएगा, ये हो गया हमारा बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ये हो गया हमारा पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये हुआ हमारा C1 है ना, ये C1 हुआ, अब इधर पर हमको लिखना है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में बीटा है तो इसमें भी जो है ओ एच जो है ऊपर ही जाएगा और एच नीचे आएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या है ओ एच नीचे आएगा, एच ऊपर जाएगा, उसके बाद ये एच नीचे आएगा, ओ एच ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये ओ एच जो है नीचे आया और यहाँ एच ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर तो सेम ही होगा OH, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है बीटा एच ओ एच OH, यहाँ पर सिर्फ नजर आ रहा है अंतर है ना, बाकी सारा सेम है, बाकी सेम है ना, हाँ, अब जो है इधर ओ एच है और इधर ओ एच है, ऐसे जुड़ेगा तिरछा जुड़ेगा, तिरछा जुड़ेगा ना, और ये क्या हुआ ये सी एक 1 2 3 4 C4 हो गया और C1 और C4 जुड़ेगा, C1 और C4 जुड़ेगा और दोनों बीटा है, ये भी क्या है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आया, अब ये दोनों जुड़ेगा यहां से वह चाहिए और वह हट जाएगा, ये दोनों के बीच से वाटर निकल जाएगा, ये हमारा बीटा लिंक हुआ, ये क्या हो गया बीटा लिंक हुआ, बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको बीटा डी ग्लूकोज ये मिलेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ हमारा ये है लैक्टोज का स्ट्रक्चर, दिस इज योर लैक्टोज, ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो कि इसका C1 जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप यही ना है ना, तो C1 कार्बन फ्री है,
C1 कार्बन जो है लिंक में इन्वॉल्व नहीं है ग्लूकोज का, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है इसमें, तो एल्डिहाइड का टेस्ट ये देगा, ठीक है ना। इसलिए ये एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, ठीक है ना। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने के चलते ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये रिड्यूस कर देगा, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, है ना। जब कोई कार्बोहाइड्रेट है ना, जब डाइसेक्राइड्स किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करे, माइल्ड, खास करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब रिड्यूस करे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। आगे समझ में, इसमें लिखा नहीं है, हाँ है लिखा हुआ, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। अगर पूछेगा कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, क्यों है, तो तुमको ये रीजन बताना है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है हमारा, कौन सा लिंकेज है, C1C4 बीटा लिंक है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है, इसलिए इथेरियल लिंक हुआ, या इसी को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं। आगे क्लियर समझ में आया, तो डाइसेक्राइड सब हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो बना होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च जो बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, मतलब स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलता है, ठीक है ना। और इसमें कोई फिक्स नहीं है कितना रहेगा, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग स्टार्च बहुत खाते हैं, इसलिए एनर्जी पूरा मिलता है, ठीक है कि नहीं। हम लोग कहते हैं हमको डायबिटीज़ हो जाता है, कहाँ हम चीनी खाते हैं, कहाँ गुड़ खाते हैं, रोटी खाते हैं कि नहीं, चावल खाते हैं है? जो रोटी है, पहले हम लोग जो गेहूं का रोटी इंडिया में नहीं खाया जाता था, स्वस्थ रहता था, गेहूं का रोटी जो है अंग्रेज का देन है ना। गेहूं के आटा का रोटी जो हम लोग खाते हैं अंग्रेजों का देन, जिसके कारण ये पेट निकलना शुरू हो गया है इंडिया में। पहले इंडियंस का पेट नहीं निकलता क्योंकि उसमें ज्वार बाजरा ये सब खाते थे, जौ खाते थे, गेहूं नहीं खाते थे, जौ खाते थे, समझ गए ना। गेहूं ही है ये सब स्वास्थ्य खराब होने का, इंडियंस का स्वास्थ्य खराब होने का, अंग्रेज जो अमेरिका से ला के यहाँ दे दिया, समझ गए। तो इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग कहता है कि हम चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन चीनी तो आप 24 घंटा खाते ही रहते हैं, उसके बिना रहेंगे नहीं, पेट नहीं भरेगा। तो स्टार्च है, स्टार्च का जो दूसरा नाम है अमाइलर, स्टार्च का दूसरा नाम है अमाइलर, समझ गए। स्टार्च में जो है दो डिफरेंट यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, स्टार्च जो बना हुआ है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ये दो तरह के यूनिट से बना हुआ है। स्टार्च जो है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है, ठीक है ना। अमाइलोज भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, ठीक है ना, आया समझ में। दोनों तो अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ, फिर अलग अलग नाम का क्या जरूरत है। नाम इसलिए अलग दिया गया, अमाइलोज जो है ना अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन है, जैसे अभी बनाए थे, अमाइलोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन है, कितना जुड़ेगा आपस में ये फिक्स नहीं है,
स्ट्रेट चेन है, माइलोपेक्टिन में स्ट्रेट चेन है और ब्रांच दोनों, समझ गया ना। और फिर ये दोनों आपस में जुड़ता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। ये जो है अमाइलोज जो होता है 15-20% होता है, और ये क्या हो गया 85-80%, ठीक है, या 80-85 लिखो, 80-85%। अगर 100 यूनिट है टोटल स्टार्च का, अगर 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट मान लो कि स्टार्च 100 अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, 100 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ा है स्टार्च को बनाने के लिए, तो उसमें से 15 जो है अमाइलोज वाला रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा, और 85 रहेगा अमाइलोपेक्टिन वाला। और अगर ये 20 है तो 80 रहेगा, मतलब इसी रेंज में रहेगा, दोनों मिला के 100% होगा, ठीक है ना, दोनों चेन मिला करके 100% होगा। तो अमाइलोज का अलग से पढ़ना होगा और अमाइलोपेक्टिन का अलग से है, ठीक है, आ गया समझ में। अमाइलोज में होता है, अमाइलोज में 200 से लेकर के 1000 यूनिट होता है, 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बना, ठीक है ना, आया समझ में। और अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 3000 यूनिट होता है, उसका यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अमाइलोज में 200 से 1000 तक रहेगा, और इतना ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ता है अमाइलोज बनाने के लिए, और 2000 से 3000 यूनिट जो अल्फा डी ग्लूकोज का आपस में जुड़ता है तो अमाइलोपेक्टिन बनता है, ठीक है, समझ गए। और फिर दोनों आपस में अरेंज हो जाता है 15-20% और 80-85%, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है स्टार्च का जो है अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कैसे, ये जो अमाइलोज है, अमाइलोज जुड़ेगा C1 और C4 से जुड़ेगा, C1 और C4, तो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा में OH ग्रुप किधर रहता है, अल्फा में OH ग्रुप ऊपर है कि नीचे है, नीचे। उसके बाद यहाँ पर OH अल्फा वाला बता रहे हो ना, है ना, इसी तरह से दूसरा अल्फा आएगा यहाँ पर, ये जो हम लोग अभी बनाएंगे अमाइलोज, ये अमाइलोज बना रहे हैं, इसी तरह जितना मन हो उतना यूनिट को जोड़ो,
दो ऐसे दिखा रहे हैं, जितना यूनिट हो मन हो तुम्हारा तुम जोड़ सकते हो, ठीक है ना? आया समझ में? एक यूनिट और लिख देते हैं, ठीक है। ये कार्बन नंबर वन है ना, ये कार्बन नंबर सिक्स है और ये कार्बन नंबर फोर है, ये कार्बन नंबर वन है। वन और फोर के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन होगा, वन और फोर के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, अब क्या है कि इधर से भी जुड़ेगा उधर से भी जुड़ेगा, ये ओएच तो रहेगा नहीं, ओएच तो नहीं रहेगा, इसलिए इसको हटा करके हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है, आइए कैसे ऐसे लाइन खींच देंगे, मतलब अभी चेंज इधर कंटिन्यू, ठीक है, आया समझ में? हाँ, उसी तरह से यहाँ से ये एच हटा देंगे, ऐसे वो लिख देंगे, इधर चेन अभी कंटिन्यू, चेन कंटिन्यू, आई बात समझ में? ये किसका लिख रहे हैं हम लोग? अमाइलोज का लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये जुड़ेगा आपस में, या तो ऐसे करके बना दो या ऐसे बना दो, अल्फा लिंकेज है ये, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो और मन हो तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, इस तरह या इस तरह से दिखा सकते हो। ये हुआ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हुआ अमाइलोज, स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, आगे समझ, अमाइलोज समझ गया। इसमें क्या है, C1 और C4 आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। अमाइलोज में क्या है, C1 C4 ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, C1 टू C4 थ्रू ऑक्सीजन, C1 C4 जुड़ते चला जाएगा, स्ट्रेट चेन बनता चला जाएगा, सीधा रस्सी के जैसा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अमाइलोज, कितना यूनिट आपस में जुड़ेगा ये फिक्स नहीं, वो रेंज जो बताया वो उसी रेंज में, कम से कम 200 यूनिट जुड़ेगा, कम से कम 200 यूनिट अमाइलोज आपस, अमाइलोज बनने के लिए कम से कम 200 यूनिट जो है पार्टी ग्लूकोज का आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, आया समझ में? अब अल्फा डी ग्लूकोज को पहचानने के लिए क्या करोगे, अल्फा डी ये अमाइलोज है प्रेजेंट कि नहीं ये पता करने के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन के कांटेक्ट में आने के साथ ये ब्लू कलरेशन देता है, किसी चीज़ में कोई स्टार्च है उसमें अमाइलोज है कि नहीं ये अगर पता करना है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, ऐसे भी स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं, तो आयोडीन मेनली पता करता है अमाइलोज को, अमाइलोपेक्टिन को नहीं, अमाइलोज को, जो ब्लू कलरेशन देता है ना आयोडीन देने के बाद, स्टार्च पर आयोडीन देने के बाद ब्लू कलरेशन होता है ना, वो ब्लू कलरेशन एक्चुअली अमाइलोज देता है, अमाइलोपेक्टिन नहीं देता है, समझ में आ गया? तो अमाइलोज जो है जैसे ही आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू कलरेशन देगा। तो अगर अमाइलोज प्रेजेंट है या नहीं है पता करना है किसी स्टार्च में तो हमको उसमें आयोडीन का यूज करना है, ब्लू कलरेशन दे दिया तो समझ जाओ कि इसमें अमाइलोज प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ, ठीक है। और उस अब हम लोग अमाइलोपेक्टिन का देखेंगे, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों रहता है उसमें, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों ही रहेगा, तो एक स्ट्रेट चेन बना रहे दूसरा स्ट्रेट चेन और हमको बनाना है,
ठीक है, इसमें एक दो तीन लिए हैं, एक तो को मिटा देते हैं। अब हम लोग अमाइलो पेक्टिन बनाएंगे। ये तो अल्फा लिंकेज है ना, ये अल्फा लिंकेज है क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन कर रहा है। अमाइलो पेक्टिन भी जो बन रहा है ना उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है, इसलिए इसमें कहीं भी बीटा लिंक का कोई बात नहीं है। स्टार्च में सारा का सारा क्या है, अल्फा लिंक ही है। समझ में आ गया ना, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है। यहाँ से सही करते है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, C1 है और ये क्या है, C6 है ना, ये C6 है, ये स्ट्रेट चेन हो गया, एक चेन बन गया स्ट्रेट चेन, ये दूसरा स्ट्रेट चेन बन गया। अब ये दोनों स्ट्रेट चेन आपस में जुड़ेगा, ये दोनों स्ट्रेट चेन जुड़ेगा C1 और C6 के थ्रू जुड़ेगा। ये OH हट जाएगा, यहाँ से ये OH हट गया, अब ये जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, इधर से OH, इधर से OH वाटर निकलेगा ना, समझ गया ना, ये ब्रांचिंग हुआ, एक चेन चला, दूसरा चेन ये चला, ठीक है। तो बीच बीच में जो CH2OH है कार्बन 6 वो अमाइलोज से जुड़ता है, एक अमाइलोज मान लो यहाँ जुड़ गया,
दूसरा अमाइलोज रिंग यहाँ से जुड़ जाएगा, तीसरा अमाइलोज यहाँ से जुड़ जाएगा, क्यों हर में तो सी एच कार्बन नंबर सिक्स है ही, तो जितना कार्बन नंबर सिक्स है वहाँ से अमाइलोज जुड़ेगा, जहाँ पर भी कार्बन नंबर सिक्स है वहाँ से ये हुआ अमाइलो पेक्टिन, ये क्या है अमाइलो, जैसे ब्रांच हो गया तो ये क्या हो गया अमाइलो पेक्टिन, जब तक सिर्फ स्ट्रेट चेन है वो अमाइलोज है, जब वो स्ट्रेट चेन है तो अमाइलोज है, जैसे दो स्ट्रेट चेन आपस में ब्रांचिंग कर लिया तो हो गया अमाइलो पेक्टिन, तो ये अमाइलो पेक्टिन हुआ, ये समझ गया ना, तो इस तरह से ब्रांचिंग होता जाएगा, समझ गया, तो अमाइलोज और अमाइलो पेक्टिन दोनों एक साथ है। अब अमाइलो पेक्टिन बन गया, अब अमाइलो पेक्टिन और अमाइलोज 15% और 85% में अरेंज हो जाएगा, समझ गया, ये जैसे ही जुड़ा है स्ट्रेट चेन सिर्फ है तो अमाइलोज है, अब दो स्ट्रेट चेन आपस में जुड़ गया ब्रांचिंग कार्बन नंबर वन और सिक्स के थ्रू, ये C1C6 लिंकेज हो गया ब्रांचिंग में, और स्ट्रेट में क्या है C1C4 है ना, स्ट्रेट चेन में C1C4 है और ब्रांचिंग में C1C6 है, आया समझ में, तो जैसे ही ब्रांचिंग होगा C1C6 के बीच में तो वो हो गया अमाइलो पेक्टिन। अब ये अमाइलो पेक्टिन और अमाइलोज 15% और 85% के रेशियो में अरेंज हो जाएगा, या 80% 20% के रेशियो में अरेंज हो जाएगा, तो अब हो गया वो स्टार्च कहलाएगा, मतलब अमाइलो पेक्टिन भी रहेगा और अमाइलोज भी रहेगा, पहले अमाइलोज बनेगा, बहुत सारा अमाइलोज बनेगा, उसके बाद वो अमाइलोज जितना है आपस में ब्रांचिंग करके अटैच हो जाएगा तो रह जाएगा, तो वो हो गया अमाइलो पेक्टिन, उसके बाद बहुत सारा अमाइलोज बचा रह जाएगा, उसके बाद बहुत सारा अमाइलोज बचा रह जाएगा जिसका इसके साथ ब्रांचिंग नहीं हुआ, जो जो ब्रांच कर लिया अमाइलोज से वो अमाइलो पेक्टिन में बदल गया, अमाइलोज से वो अमाइलो पेक्टिन में बदल गया, ठीक है, उसके बावजूद भी बहुत सारा अमाइलोज बचा हुआ रहेगा, तो अमाइलोज और अमाइलो पेक्टिन का एक मिक्सचर हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्च, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली हमको अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, क्योंकि अमाइलो पेक्टिन हो चाहे अमाइलोज हो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, क्लियर, ठीक है।